नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों ये डीएमआरसी का प्रीवियस ईयर का पार्ट टू है। इसमें हम 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी कैंडिडेट को इसके जानकारी मिले टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ए लुब्रिकेंट इन मशीन टूल इज टू। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि मशीन टूल्स में लुब्रिकेंट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? दो मेंटिक पार्ट्स, जहाँ पे हमारे पार्ट दो जहाँ पे मैच किए हुए होते हैं और आपस में चलते हैं, तो उसमें रगड़ होती है। रगड़ होने के पश्चात वो पार्ट्स में हीट उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे मिनिमाइज फ्रिक्शन, घर्षण होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है, मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन द मेंटिंग पार्ट्स, यानी कि दो पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर का ऑप्शन है द टू कूल डाउन द मेटिंग पार्ट्स। तो मुख्य उद्देश्य इन्होंने पूछा है, तो मुख्य उद्देश्य इसका यही होगा, तो ऑप्शन नंबर चार पे नहीं जाना है आपको। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट और टू रिफाइन द स्ट्रक्चर टू स्टील कंपोनेंट इज कॉल्ड एज, यानी कि हम किसी मेटल के आंतरिक गुण में जो सुधार लाने की प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। किसी मेटल के आंतरिक संरचना में अगर हमें परिवर्तन लाना है, तो उस जो क्रिया हम करते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस क्रिया में हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं दोस्तों। नॉर्मलाइजिंग क्रिया में हम मेटल के आंतरिक स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिलिंग मशीनेबिलिटी में सुधार। एनिलिंग एक प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट का, ये सभी हीट ट्रीटमेंट ही हैं। तो एनिलिंग जो होता है हीट ट्रीटमेंट में, जो एनिलिंग की प्रक्रिया होती है, वह मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए एनिलिंग की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद हार्डनिंग हम जब टूल्स बनाते हैं तो टूल को हार्डनिंग करते हैं, हार्ड करते हैं ताकि वह काट सके, किसी मेटल को खुरच सके। उसके बाद टेम्परिंग, अचानक लोड पड़ने के कारण उसको सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना करें कि आपको एल्युमिनियम के थ्रेड काटने हैं, तो आप निकले में से किस शीतलक का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हम कभी भी जब एल्युमिनियम पे वर्क करेंगे तो केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन द नाइट्राइडिंग प्रोसेस द सरफेस इज एनरिच्ड विथ, तो जब हम नाइट्राइडिंग, ये भी हीट ट्रीटमेंट की ही प्रक्रिया है, तो नाइट्राइडिंग करते वक्त हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्लियरेंस आर गिवेन बिटवीन बोल्ट्स एंड होल इन असेंबलीज फॉर, बोल्ट और होल्स के बीच असेंबली में क्लियरेंस दिया जाता है किस लिए? तो एडजस्टिंग द स्लाइट मिस एलिमेंट के लिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, देख सकते हैं आप। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। साइनामाइडीकरण और नाइट्रीडीकरण किसकी दो विधियां हैं? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएमआरसी ने रॉन्ग आंसर दिया है, केस हार्डनिंग की यह प्रक्रिया है, सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं कोल्ड वर्किंग इज डन एट, तो कोल्ड वर्किंग हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं कोल्ड वर्किंग। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में हम बता देते हैं, इसको टॉलरेंस कहते हैं, फिलहाल आप समझ लीजिए। तो ये करें, अगर आप देखिए जब वर्कशॉप में कोई भी आप जॉब बनाते हैं तो जॉब एक्यूरेट साइज में नहीं बन पाता है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए हम 25 mm का हमें जॉब बनाना है, तो हमें उस पर कुछ ना कुछ हमें अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन देना पड़ेगा, आपको अलाउंस कुछ रहेगा उसमें। तो अगर मान लीजिए आपने अपर डेविएशन 4.4 का दे दिया, लोअर डेविएशन दे दिया आपने 0.4 का, तो यानी कि आपका जो अपर डेविएशन होगा वो 25.4 का हो जाएगा, और आप यानी कि 25.4 तक अपना जॉब हाईएस्ट लिमिट में बना सकते हैं। अगर आप 25 mm में से 0.4 mm घटा देते हैं तो आप 24.6 mm का जॉब बना सकते हैं इसके अंदर में। तो हाईएस्ट, तो टॉलरेंस ये पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और लोअर लिमिट ऑफ साइज को क्या कहते हैं। तो जो हमारा 25.4
फोर होगा और 24.6 होगा, तो 25.4 में से 24.6 घटाएंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो टॉलरेंस होगा। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज में से जब आप घटा देंगे तो आपका जो आएगा वो आपका टॉलरेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और लोअर लिमिट ऑफ साइज को हम टॉलरेंस कहते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील फाइल हार्डनिंग इज, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आपका 723 डिग्री सेल्सियस होता है। 723 डिग्री सेल्सियस पे आपके जॉब में परिवर्तन शुरू होने स्टार्ट हो जाता है 723 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजस्टेंट रिविट इन द सेम रो इज कॉल्ड, अगर मान लीजिए आपने ये आपका मेटल है, ये मेटल है आपका, आपने यहाँ पे एक रिविट लगा दिया, एक रिविट यहाँ पे लगा दिया, एक रिविट यहाँ पे, एक रिविट यहाँ पे, तो ये पूछना है इस रिविट के सेंटर से और इस रिविट के सेंटर की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम पिच कहते हैं, पिच ऑफ द रिविट। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए मटेरियल टू स्क्रैच और इंडेंट इज ड्यू टू इट्स, तो इसको हम हार्डनेस कहेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन है, फेराइट किसका बहुत दुर्लभ ठोस विलयन है, तो फेराइट में कार्बन और लौह का मिश्रण होता है, कार्बन और इस्पात का। उसके बाद आप देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वियरिंग हैज़ प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, तो वियर एडजस्टमेंट में हम एडजस्टमेंट स्लाइड वियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। 34 नंबर का देखिए, इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज डन टू, तो हीट ट्रीटमेंट में जो हम प्रक्रिया करते हैं नॉर्मलाइजिंग की, तो उस नॉर्मलाइजिंग का हमारा उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य के लिए हम नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो अभी इसके पहले हमने बताया जॉब के आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मलाइजिंग का। उसके बाद देखिए 35 नंबर, ए ब्लॉक लेवल कैन बी यूज टू चेक, ब्लॉक लेवल का हम किसके कौन सा चीज़ चेक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ब्लॉक लेवल का इस्तेमाल हम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल अलाइनमेंट दोनों चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉक लेवल का। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खराद लेथ कटिंग स्पीड में किस में व्यक्त किया जाता है, यानी जब आप लेथ मशीन पर वर्क करते हैं तो जो कटिंग की स्पीड होती है उसको मीटर प्रति मिनट में, यानी एक मिनट में कितना मीटर हमारा कटिंग स्पीड, कितना कटिंग कर रहा है हमारा कटिंग टूल, तो मीटर प्रति मिनट में हम उसको चेक करते हैं। ये देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द चक यूज इन ए लेथ इंडिपेंडेंट चक कीज, तो हम फोर जा चक को इंडिपेंडेंट चक कहते हैं, फोर जा चक को, इसमें सभी चक को बारी बारी से सेंटर करना पड़ता है, और जो थ्री चक होता है वो उसमें आसानी से सेंटर किया जा सकता है, बारी बारी से नहीं करना पड़ता है, थ्री जा चक ये देख सकते हैं आप, लेकिन इसका आंसर करेक्ट 4 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए, बेल्ट किए जाने वाले मिश्र धातु की कार्य करने की सतह पर छोटी छोटी गलिकाओं के आकार में बेल्ट धातु का अनचाहा निक्षेप क्या कहलाता है, तो आप देख सकते हैं ये कहना चाहते हैं जब आप बेल्डिंग प्रक्रिया करते हैं तो बेल्डिंग करने के दौरान आप देख सकते हैं मेटल पे छोटे छोटे दाने के आकार के मेटल बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्पैटर्स कहते हैं। 3rd नंबर का ऑप्शन देख सकते हैं स्पैटर्स। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबर का ये पॉइंट का एंगल पूछ रहे हैं, तो स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या मारेंगे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस मारेंगे, 15 से 20 डिग्री मारेंगे एंगल, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्क्राइबर का जो एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संलग्न वेल्डिंग को क्या निर्मित करने के लिए क्या किया जाता है, तो वेल्डिंग हमारा एक परमानेंट प्रक्रिया है, वेल्डिंग परमानेंट जोड़ में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अस्थाई जोड़। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी कैंडिडेट्स को शेयर करिए ताकि सभी के पास ये टेक्निकल जानकारी पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में कोई सजेस्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।